बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मेरठ दौरे पर रहेंगे। आज एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे मेरठ। 3 जिलों की 11 विधानसभा क्षेत्रों की इस दौरान बैठक करेंगे। मेरठ पहुंचने पर जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे मेरठ, बेहद ही अहम दौरा। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मेरठ दौरे पर आज रहने वाले हैं। इस दौरान जगह जगह पर मेरठ पहुंचने पर उनका स्वागत किया जाएगा। तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बेहद ही अहम दौरा माना जा रहा है। चुनावों से पहले एक दिवसीय दौरे पर मेरठ पहुंचेंगे आज बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। तो देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम आज उनकी तरफ से किया जाएगा। एक दिवसीय दौरा है और काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। जगह जगह पर जब वो मेरठ पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। 3 जिलों की 11 विधानसभा क्षेत्रों की वो बैठक करेंगे और इस दौरान पार्टी की तरफ से जो कामकाज अभी तक किया गया है, कार्यकर्ताओं से इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत भी की जाएगी। तो सादिक खान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सादिक, जानकारी चाहेंगे, आज बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मेरठ दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ जानकारी? सबसे पहले तो तैयारियां किस दौरान की गई हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मेरठ में जिन जिन स्थानों से वो होकर गुजरेंगे जगह जगह पर उनका जोरदार स्वागत भी किया जाएगा। जानकारी इसको लेकर कितने बजे वो मेरठ पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र तोमर पहली बार मेरठ पहुंच रहे हैं और मेरठ पहुंचने के बाद वे कंकड़खेड़ा बाईपास के पास एक बैठक को संबोधित करेंगे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले मेरठ में आज जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मेरठ दिल्ली हाईवे से वो गुजरेगा जब काफिला, तो मेरठ में प्रतापपुर कंकड़खेड़ा सहित कई जगहों पर उनके स्वागत के कार्यक्रम किए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज मेरठ पहुंचेंगे, 12 बजे का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन 12 बजे पहुंचने के बाद वो लगभग 3 जिलों की बैठक करेंगे और 3 जिलों में 18 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ आज मंथन करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान मेरठ पहुंच रहे हैं। साथ ही स्वाति, मैं आपको बता दूं कि आगामी 2022 चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, तो उसी की तैयारी को लेकर आज खुद धर्मेंद्र प्रधान मेरठ पहुंच रहे हैं और यहां पर वे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन सादिक, यहाँ पर ये जानना भी अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो इस दौरान तमाम जगहों का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है, जो कामकाज पार्टी की तरफ से किया गया है उसको लेकर क्या कहना है लोगों का, यहाँ पर ये राय भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए चुनाव करीब है और ऐसे में लोगों जनता की राय बेहद जरूरी है। आप लोगों से, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच जाते होंगे, बातचीत करते होंगे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, लोग क्या चाहते हैं, या फिर अभी तक जो कामकाज किया गया है संतुष्ट हैं लोग? स्वाति, बिल्कुल पूरी तरह से पार्टी लगातार अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये ग्राउंड जीरो पर जब नेता पब्लिक के पास पहुंचते हैं या हम ग्राउंड जीरो पर पब्लिक से बात करते हैं, तो पब्लिक का साफ तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, पेट्रोल है, गैस है, इसको लेकर लगातार कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहे हैं। आम पब्लिक का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त महंगाई का है। यही महंगाई के मुद्दे को अगर पार्टी और भाजपा, दोनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, अगर थोड़ा कंट्रोल करेंगी तो आने वाले चुनाव में शायद कुछ लाभ होने की उम्मीद है। जी स्वाति, चलिए ठीक है सादिक, आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही थी, एक के बाद एक दौरे लगातार पार्टी के बड़े चेहरों की तरफ से किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में, क्योंकि 2022 चुनाव करीब है और इसी को देखते हुए ये दौरे लगातार, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि रणनीति इस दौरान बनाई जा रही है और कार्यकर्ताओं को मजबूती देने का काम किया जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.